मैंने लोगों के लिए, जनहित के लिए इतने लिखे जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन कुछ दिनों से मेरे खिलाफ कंटिन्यू रोज हर 10 दिन 15 दिन में एक नए का एफआईआर खिंचाई जा रही है। जहां मैं गया ही नहीं फिर भी फर्जी एफआईआर खिंचाई जा रही है, मैं क्या करूं? मैं आप लोग से सलाह लेना चाहता हूं कि अगर यही चीज आप लोगों के साथ हो और घर में सिर्फ मां के अलावा कुछ ना हो तो आप क्या करोगे? आत्मदाह करोगे कि क्या करोगे? मेरे पास आत्मदाह के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं इतना हो चुका हूँ, पीड़ित हो चुका हूँ कि हमारे रायगढ़ के पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, उनके सुपुत्र कोल माफिया भरत अग्रवाल, उनके साले राकेश अग्रवाल, अमित शर्मा, आशीष तामकार, यहाँ तक की तथा कथित पत्रकार लोग आलोक पांडे, अमित पांडे, यहाँ तक की पुलिस विभाग खुद, एएसआई कोतवाली, आरएस तिवारी, शिकायत सेल के प्रभारी हैं, कौन है, क्या है ये, भैरव प्रसाद मिश्रा, जो इन्हीं के पास जाता है मेरा सारा मामला और खींचे पड़े हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार मामले। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? किसी को गोली मारी है कि डकैती की है कि चोरी की, क्या की है? कोई तो बताए मेरे को। सच छापना क्या गलत है? अगर सच छापने का मतलब अगर ये है कि फर्जी एफआईआर में फंसा दो, इस अच्छा तो गोली मार दो या तो आत्महत्या का वो दे दो। मेरे पास मरने के अलावा कुछ नहीं बचा साहब। मैं आप लोगों को पूछता हूँ, अगर कुछ है तो मुझे बता दो, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है आज 15 सालों में सिर्फ पत्रकार पीड़ित है और कुछ नहीं। मेरे से इससे अच्छा कोई अनुभव नहीं जानता। मेरे पास कुछ नहीं है और कुछ नहीं सिर्फ मरने के अलावा। पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, आशीष तामकार, वार्ड नंबर 26 रायगढ़ का, मैं क्या करूं? आप लोग बता दो मैं क्या करूं? उनके बारे में लिखा हूं, सच लिखा हूं। एक एफआईआर हुई, दूसरी एफआईआर हुई, उनमें जमानत लेके आए, मेरे को 10-15 दिन महीना भर नहीं हुआ है कि फिर मेरे पास एक एफआईआर दर्ज हो गई, इसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं। बोलते मैंने किस पर लेके गया, उन लोगों को जबरदस्ती एसपी का लेके आए और मेरे साथी के विजिटिंग कार्ड को दिखा के बोलते ये पत्रकार आया। अब उसको भी मैनिंग एक्सपर्ट बताते हैं, तो पत्रकार है कि मैनिंग एक्सपर्ट रहे ये तो प्रूफ कर दो। मैं क्या करूं? इनका बोलबाला है, ये रमन सिंह का बोलबाला है, बीजेपी का बोलबाला है, किसके पास जाऊं, किससे बात करूं? मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं हर केस को लेकर जमानत करवाऊं, या खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं 4 महीने से फाड़ी कट के आया हूँ, फिर एक नया मामला हो गया, किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं? अब मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज है कि मैं आत्मदाह कर लूं, तभी कर लूं, अपनी माँ को भी कर दूं, उससे अलावा मेरे पास क्या बचा है? बाकी आप जनता से मेरा एक आग्रह है कि अगर कुछ और रास्ता है तो मुझे बता दो, जो भी हो, जैसा भी हो। धन्यवाद।